ये जो सोने की परत वाला गुंबद देख रहे हो आप, ये है विश्वनाथ मंदिर। अंदर तो आने का क्षमता ही नहीं है। तो दोस्तों, हम घर से निकल चुके हैं और अब हम जाने हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन मेट्रो से, और यात्रा हमने शुरू कर दी है अपनी। प्लेटफॉर्म की लाइन है और इधर कराएंगे हम अपना बैगेज चेक। हमारी गाड़ी आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 15 पे। गाड़ी अपनी आ गई है। दिल्ली टू बनारस 10:50 पे चलती है दिल्ली स्टेशन से, और ये 9:30 बजे आ गई है। और सामने दिख रहा है B2, हमारी टिकट है B7 में, आगे है B3। ये है सामने की सीटिंग। भैया हमारे भाई कली जो केदारनाथ ट्रिप में हमारे साथ थे, ये हमारे दूसरे भाई आलोक अवस्थी। बहुत ही सुकून मिल रहा है, सुकून मिल रहा है ना, बाहर बहुत गर्मी है। कोविड ने जो हमसे ब्लैंकेट छीने थे वो हमें वापस मिल चुके हैं। हाँ, कोविड में ये सही कह रहा था, कोविड ने हमारे ब्लैंकेट छीने थे, हमें वापस मिल गए। लो, कोई कोच पे आएगा नहीं? क्या कोई कोच पे आएगा नहीं? आएगा बेटा, अभी टाइम क्या हो रहा है? 10:40 हो गए। ये सीटिंग है बढ़िया, अपनी सीटिंग लग रही है मेरे को। लिनन्स वगैरह भी साफ लग रही है, क्लोज वगैरह है। गाइस, मौसम अंदर का बहुत बढ़िया है, बाहर बहुत उमस है। तो अपनी है ये 3rd AC। हमको अभी टीटी से बात करनी होगी क्योंकि एक सीट हमारी कहीं और है, तो हम कोशिश करेंगे एक ही जगह अरेंज करने की। बाकी ये अपना ट्रेन लुक है, ये हमारा चप्पलों में आ रखे हम सोने का अड्डा। तो यहाँ क्या शीशा लगा हुआ है बढ़िया, और ये लाइट्स वगैरह भी है इसमें, पर्सनल लाइट है, पर्सनल पढ़ाई के लिए स्टडी की लाइट लगी हुई है इसमें, कबूतरबाजी करने के लिए रात को। गाड़ी अपनी स्टार्ट हो गई है ऑन टाइम 10:50 पे। अब अगला स्टेशन है गाजियाबाद, जो पहुंचेगी 11:22 पे, और उसका सीधा स्टेशन आएगा 4:30 बजे कानपुर पे, है ना। गाड़ी में कर्टेंस वगैरह लगे हुए हैं। डिनर चालू हो चुका है, डिनर चालू है, डिनर चालू है हमारा, करेले रह गए यहाँ पे। तो ये घर का खाना है, ये बिल्कुल घर का खाना है, कोई बाहर का खाना, शुद्ध शाकाहारी बढ़िया खाना। माहौल ऑलमोस्ट हम प्रयागराज पहुंच चुके हैं, अभी स्टेशन पे गाड़ी रुकेगी 10 मिनट के लिए। रुकेगी नहीं यहाँ पे, इसके बाद ही प्रयागराज है, ये एक छोटा सा स्टेशन है। Yeah.
10:34 पे हम बनारस पहुंच गए। जबकि टाइम था 10:15 का। फाइनली बनारस, हमारा रस निकले। गाड़ी हमारी आके रुक गई है। वो तो लिखे होंगे सारी जगह। तो हमें निकलना है 9 नंबर से बाहर, क्योंकि हमारे होटल की गाड़ी हमें वहीं मिलेगी। चलो भाई चलो। ये बनारस स्टेशन पूरा क्लीन है बिल्कुल। हाँ एकदम नया बन रहा ना, अंदर तू जाएगा तो मज़ा आएगा। ये सारा नया बना है अभी, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा हुआ है गवर्नमेंट ने। पूरा क्लियर है, क्लीन है। यह है पॉपुलर बाटी चोखा। तो अब हम ये ट्राई कर रहे हैं, आए हैं यहाँ पर। हमारे जो भैया लेने आए थे उन्होंने बताया कि काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पर, तो ये भी देखते हैं कैसे बना रहे हैं। बहुत टेस्टी है दाल बाटी, चावल इसमें आएंगे भी। ये चोखा है, ये हेरिटेज होटल। हमने नहा लिया यहाँ पर अच्छे से, इको ओवर हो गया यहाँ पर। होटल है, होटल का वापसी में दिखाते हैं। अभी हम जा रहे हैं मंदिर के दर्शन के लिए। पूरा हेरिटेज होटल है ये। यह है रूम्स, ये बेड्स है, दो बेड्स है यहाँ पर सिंगल सिंगल। ये इलेक्ट्रिक कैटल है, टीवी लगा हुआ है, बाकी वार्डरोब जैसे पुराने रहते हैं वैसे ही है। बैठने के लिए स्पेस, वॉशरूम काफ़ी ठीक ठाक है अपना नॉर्मल साइज का। गीजर वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, एसी यहाँ है। ये वेटिंग एरिया, बाहर ऐसा गार्डन सा बना हुआ है रूम्स के बाहर देखने के लिए। यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, पुराना पहले जैसे बना हुआ था ये, उसके फोटोज हैं कुछ। और यहाँ कौन कौन आए हुए हैं, ये सारे आरएसएस के नेता। यह है रिसेप्शन, पार्किंग एरिया है यहाँ पर। और ये इधर रेस्टोरेंट है इनका, राज रसोई के नाम से, जो खुलने वाला है अभी। सारा पार्किंग एरिया, हम दिखाने वाले हैं हमारे सतीश भाई का स्टूडियो। गेट ओपन हुआ, अंदर आते ही आप देखोगे पूरा स्पीकर्स, लाइट नहीं है, म्यूजिक का सिस्टम्स सेटअप्स लगे हुए हैं यहाँ पर। पूरा स्टूडियो बनाया हुआ है इन्होंने, सतीश भाई। सतीश भाई नमस्कार, ये आपका है स्टूडियो। हाँ जी,
क्या क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पे ऑडियो, जिससे गाना आप सुनते हैं, ऑडियो पहले कंप्लीट होता है, उसके बाद वीडियो पिक्चराइजेशन होता है। और हमारे यहाँ पवन सिंह, खेसारी, रितेश पांडे, भोजपुरी का लगभग सारे स्टार यहाँ से गा चुके हैं और काफी यहाँ के गाने हिट हैं जो ऑल ओवर इंडिया बजा है। भाई गाने कहाँ गाते हैं और कैसे क्या होता है? अंदर वो तो सामने अंदर है, हाँ, ये डबिंग रूम है अंदर। हाँ, अभी हमारी रिफ्लेक्शन आ रही है, बट एक्चुअली डबिंग रूम है, वहाँ डबिंग करते हैं, सिंगर गाना गाएंगे और वहाँ से आउटपुट यहाँ पर आता है सिस्टम में, फिर वो इनपुट मतलब जो एडिटिंग वगैरह करके फिर वो सिस्टम के थ्रू आप लोग उसे फाइनल रूप देते हैं ना। बाकी सतीश भाई ने हमें अपने ऑडियो और वीडियो सॉन्ग्स भी दिखाए जो काफी अच्छे लगे हमें। मनोज तिवारी वारी जो हैं यहीं से, बनारस से ही आज बन के सांसद बने, दिल्ली का मन रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, तो सब बाबा का ही कृपा है। और बगल में ही घर और सब बिल्कुल, था पहले सास का, अब तो कई हो गया। जय भोले बाबा। चलिए अब हम जा रहे हैं बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के लिए रिक्शा हमने कर लिया है, ये रिक्शा तो गाड़ी में जाती है ना यहाँ पे, यहाँ से होगा कोई 3 किलोमीटर के आसपास, दर्शन हो गया हमें और बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए। हमारे भाई साहब मिल गए थे जो हमें, उन्होंने बढ़िया वीआईपी दर्शन कराए हमें और अन्नपूर्णा देवी के दर्शन, पशुपतिनाथ के दर्शन, साथ में विश्वनाथ महाराज के दर्शन, बाबा के दर्शन भी हो गए हैं और अब हम वापस जा रहे हैं होटल की तरफ। हाँ, दिखा रहे हैं आपको बाबा ठंडई, ये ऑथेंटिक ठंडई बनाते हैं, बहुत सालों से दुकान है यहाँ पर। यहाँ मनोज तिवारी और जितने भी सेलिब्रिटीज जो आते हैं वो यहाँ ठंडई पी के झूम जाते हैं। बाबा ठंडई, ये है प्रॉपर मार्केट बनारस की। देखने लायक ये आरती के टाइम के फोटोज हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, 7:30 से आरती है, आगे आपको आरती के दर्शन कराएंगे हम। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है यहाँ पर और आरती दर्शन के लिए हजारों लाखों लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। बैठिए, हेलो बैठिए, ओ स्वामी तिवारी जी, उन लोग को बैठाओ, बैठो, उन लोग को बैठाइए, बैठ जाओ आप लोग, बैठ जाओ आप लोग, त्र्यंबके गौरे नारायणे नमोस्तुते आचम्याम ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, हस्तौ प्रक्षालनं गोविंदाय नमो नमः, ओम य पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगदो विवा यः स्मरेत् पुण्डरीक। काफी संख्या में लोग मौजूद हैं यहाँ पर क्योंकि सावन की गंगा आरती देखने के लिए अपने देश और विदेशों से भी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं।
वापस हम अपने होटल आ गए हैं। ये तो उर्दू में लिखा है, ये है नमस्ते घाट काशी का, काशी का देखो यहाँ जो कि अभी रिसेंटली मोदी जी ने इसको उद्घाटन किया। ये देखिए सारा का सारा नया बना हुआ है, गाड़ी ला दे गाड़ी ला। वो समझते वाह मोदी जी वाह। ये है नमस्ते घाट, रात के टाइम में कुछ लोग यहाँ पर घूम जरूर रहे हैं, टूरिस्ट लोग हैं। ये हम आ गए हैं BHU के अंदर, बनारस हिंदू कैंपस में गेट खुलवाया है। हाँ स्पेशल हमारे मार्गंडी जी ने देखिए सरस्वती जी का ये है प्रतिमा जो है ना काशी हिंदू विश्व, वहाँ पे सरस्वती जी का मूर्ति है। फोटो खिंचवा लेते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय यहाँ पे खिंचवा लेते हैं फोटो। आ जाओ आ जाओ भाई खींच लीजिए खींच लीजिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ये हॉस्पिटल है, पूरा कैंपस है, काफी बड़ा कैंपस है BHU कैंपस। हम रात में घूम रहे हैं, इससे पीछे इसका ट्रॉमा सेंटर था। ये है सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ BHU, सियाजी राव गायकवाड़ लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने ही है। श्री विश्वनाथ मंदिर जो नया बना है BHU के अंदर, हालांकि बंद हो गया मगर कोशिश करते हैं जितना अंदर जा सकते हैं वहां से दिखाने। ये मंदिर बाबा श्री विश्वनाथ का मंदिर है BHU के अंदर। दोस्तों अब हम निकल रहे हैं अपने होटल से, चेकआउट हमने कर दिया सुबह के 6 बजे और आज है संडे, और संडे को हम सबसे पहले सुबह सुबह गंगा जी में जाके स्नान करेंगे और फिर कॉरिडोर से जाते हुए जो नया कॉरिडोर बनाया है अभी वहाँ विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है आज, तो संडे को देखते हैं सावन के महीने में कितनी भीड़ है मंदिर पर और फिर हम आगे चलेंगे काल भैरव के दर्शन करने। ये है गुदोलिया चौक, सुबह का माहौल, ये है दशाश्वमेध घाट। दोस्तों ये गंगा घाट के पार हम इधर आ गए हैं नहाने के लिए, उस तरफ से हम आए हैं सामने से, वहाँ से हमने बोट ली, बोट लेकर के निकलता है और ये पूरा का पूरा वाइट सैंड है यहाँ पर बहुत दूर दूर तक, जिसे राइडिंग करनी है हॉर्स राइडिंग कैमल राइडिंग वो बच्चों के लिए है, बढ़िया बड़े भी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब हम नहाएंगे यहाँ पर, उसके बाद हम दर्शन करेंगे, सुबह के बज चुके हैं 7। दोस्तों यहाँ पर हमने स्नान कर लिया गंगा जी में और हम अब जाएंगे दोबारा से दशमे घाट। वो सामने दशमे घाट दिख रहा है आपको, गेट नंबर 1 से हम एंट्री करेंगे जो कि नया अभी कॉरिडोर बना है। सामने ये शिप है
जो मोदी जी के समय आपने न्यूज़ में देखा होगा। यह है कॉरिडोर, यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी काम तो चल ही रहा है यहाँ पर। और यह है मेन रास्ता कॉरिडोर का। वही रास्ता है। सारे नए भवन बने हुए हैं। त्र्यंबकेश्वर भवन, महाकालेश्वर भवन, कार्तिकेय संकुल, मानसरोवर, गंगा दर्शन, सारा नया कॉरिडोर है। यहाँ सीधा मंदिर के अंदर पहुँचते हैं। तो पीछे टूटे हुए मकान दिख रहे हैं, ये वो मकान है जिनको तोड़ करके ये जो रिहायशी मकान थे इनको तोड़ करके ये कॉरिडोर का काम पूरा हुआ है। सो गाइस, हम लोग वापस अपने घर जाने के लिए अब तैयार हैं। हम आ चुके हैं वाराणसी जंक्शन। समय हो रहा है 6:20 और हमारी ट्रेन है 7:30 की गरीब रथ, जिससे हम आनंद विहार पहुँचेंगे सुबह 9:30। मौसम फिलहाल हवा चल रही है वाराणसी में, कल से बारिश तो ही नहीं है यहाँ पर। और जैसा कि आप सबको पता है, भीड़ बहुत थी वहाँ पर मंदिर में, लेकिन दर्शन हमारे अच्छे से हो गए। और हम जैसी ट्रेन आएगी ट्रेन में बैठेंगे, उसके बाद आप सब उठते हैं। ये है वाराणसी जंक्शन और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 9 जहाँ ट्रेन आएगी। हमारी 1 घंटा लेट है, 9:30 का टाइम था, 10:30 में पहुँची है। तो हम यहाँ से पहुँचते अपने घर और अपना सफ़र होता है आज यहाँ समाप्त।